उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब भी देश में संकट होता है वो इटली चले जाते हैं। इतना ही नहीं, योगी ने एक चुनावी रैली में कहा, जब जब देश में संकट आता है राहुल इटली चले जाते हैं और अगर कांग्रेस की शहजादी और राहुल को देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है तो उन्हें इटली चले जाना चाहिए और वहां वोट मांगना चाहिए, कांग्रेस की शहजादी यानी कि प्रियंका गांधी। योगी ने आगामी 19 मई को अंतिम चरण के मतदान से पहले ताबड़तोड़ रैलियां की हैं और उन्होंने जनता से भाजपा प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ तभी मंच साझा कर पा रही हैं जब हमने राज्य में सुरक्षित माहौल तैयार किया है। और तो और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि राहुल के मामा क्रिश्चियन मिशेल शकुनी मामा हैं और वो इटली के हैं और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में दलाल थे। साथ ही योगी ने कहा कि भारत देश उनके पक्ष में कभी मतदान नहीं करेगा जो भगवान राम और कृष्ण को नहीं मानते। बता दें हम सभी को कि विपक्ष आतंकवादियों के प्रति अधिक निष्ठावान है। SBI News Room से अजय की रिपोर्ट।